हेलो एवरीवन, दिस इज लेजी आर एंड आप लोगों का स्वागत है आज के मेगा मर्डर सीरीज में। एंड इस मेगा मर्डर सीरीज के लिए हम लोग हैं सॉटल एल्फेम में। सो ये कस्टम मैप है जिसमें हम घूम रहे हैं आराम से इस मैप को एक्सप्लोर करने के लिए। देखा जाए तो वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइक छोटा सा मैप है एंड बट इसको फ्योडा के क्रिएटर्स ने बनाया तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही अच्छा एंड एक्सप्लोरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही फन हुआ है। तो हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा मॉड्स को इसमें डाला है जिसके साथ हम फन कर रहे हैं, जैसे कि पालियो आर्क हुए, आर्केडिसंस के डाइनोज हुए, ये रहे, उसके बाद फिर एस वेरिएंट के डाइनोज हुए एंड उसके बाद फिर ये क्रैकन के बेटर डाइनोज हुए। सो हम लोग हर टाइप के डाइनोज इवॉल्विंग मॉड्स को ट्राई कर रहे हैं ताकि उस हिसाब से हम देख सके कि इस मॉड में कैसे फन है खेलने के लिए। तो मजा आ रहा है। बट रिसेंटली क्या हुआ कि लास्ट टाइम मैंने वैसे तो ये रेवेजर को टेम किया था एंड ये रहा वो रेवेजर एंड इसको फिर मैंने बासा का सैडल दिया था। सो मैंने ये क्लेम किया था कि इसका जो सैडल है ये एक्चुअली में इनविजिबल है, जैसे कि ये रहा। बट बाद में मुझे पता चला कि ये एक्चुअली में एक बग चल रहा है जिसकी वजह से डेवलपर्स उस चीज़ को देख रहे हैं एंड उन लोगों को पता करेंगे कि एक्चुअली में ये सैडल कब हो सकता है। सो ये जो सैडल है ये इनडायरेक्टली इस बासाकर को स्किन वेरिएंट दे देगा, बासाकर रेवेजर का, जो कि इसके आसपास ग्लो करने लग जाएगा शाइनिंग ऑरा टाइप का। बट प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ये मॉड के इशूज की वजह से इसमें ऐसा दिक्कत चल रहा है। सो ठीक है, ये चीज़ के बारे में मुझे बाद में पता चलेगा, मे बी हम लोग इसके बारे में और भी कभी देख सकते हैं जब ये ठीक हुआ। तब तक हम लोग केव को एक्सप्लोर करते हैं। सो केव को एक्सप्लोर इन द सेंस, मुझे रिसेंटली अभी जब लास्ट के इस एपिसोड को खत्म करने के बाद जब मैं घूम रहा था तब मुझे यहाँ पर एक बहुत ही पास में एक केव दिखा। सो पहले मैं स्पाई ग्लास ऑन कर देता हूँ एंड मैप में देख लेता हूँ कि एक्चुअली में हमें जाना किधर है। सो ये जगह इधर किधर, तो ये मेरे केव के पूरा पास मैं हुआ ये था कि मैं रिसोर्सेस कलेक्ट कर रहा था, मेरे पास एक्चुअली में मेटल्स की कमी हो चुकी है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगा था मे बी हम लोगों को और मेटल रन्स का जरूरत है। बट जब मैं यहाँ पर आया एंड जैसे मैं यहाँ पे नीचे गिरा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक केव है, क्योंकि ये पास से ऐसे दिखा नहीं बट जब मैं दूर से जा रहा था तब मुझे वहां से एक केव टाइप का एंट्रेंस ग्लो किया तब मुझे पता चला। सो इसका लोकेशन है, पहले मैं इसको रख लेता हूँ अपने साथ। सो ये है 8951.3 के आसपास एंड ये रहा मैप में लोकेशन। सो ये पूरा साउथ मिड एरियाज में एंड बहुत ज्यादा ही अच्छी जगह पे। तो चलो फिर चेक करते हैं कि एक्चुअली में ये किस टाइप का केव है। हम लोग के पास ऑलमोस्ट हर चीज का रिसोर्स है, मे बी हम होप में हैं कि अगर हमें ये मिल जाता है, जैसे कि अगर कोई बेटर रेवेजर मिल जाता है तो हम उसको भी टेम कर सकते हैं। बट अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है एंड वैसे तो हम हमेशा से स्माइल के साथ ही ज्यादातर एक्सप्लोर करते हैं। ये मेरा फेवरेट पालियो आर्क डायनो बन चुका है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक स्माइलोडॉन है एंड ये अच्छा खासा हाई लेवल पे है। एंड इसका एक्चुअल में देखा जाए तो ये मेल है बट मेरे पास इसका एक फीमेल वर्जन भी है बट मैं उसको अपने बेस पर रखा हूँ। ये एक पालियो मॉड का क्रिएचर है जिसने सेबर टूथ को एनहांस किया है एंड देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ओके सो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज्यादा इसका एबिलिटीज नहीं है, सिर्फ जंप एंड पाउंड। सो कहीं ना कहीं बाइट या फिर पाउंड, आई थिंक ये हाथ से भी अटैक करता है, नहीं शायद मुझे ऐसा लगा था बट कोई दिक्कत नहीं। सो जस्ट बाइट एंड जंप है बट देखा जाए तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल। ओके डोंट टेल मी कि मेरे साथ थोड़ा सा धोखा हो गया है, क्योंकि मैं जिसको एक केव सोच रहा था वो एक्चुअल में केव है, बस एक एंट्रेंस है सच में। बहुत ज्यादा देख ली, ओके ये चीज नहीं सोचा था। बट एक मिनट, मैं सर अभी जस्ट एक ग्लिच हुआ था, क्या वो ग्लिच एक नॉर्मल था या फिर कुछ और था, मुझे चेक करना होगा। क्या ये सच में कोई केव नहीं है? एक मिनट, अभी पता चल जाएगा। ओके एक मिनट, हम शायद इधर से ही आए थे। अरे यार पर एक मिनट, इसका एंट्रेंस केव के जैसा बनाना मीन्स ये जस्ट एक ट्रोल तो नहीं होगा, क्योंकि ओ डिनो नीचे। एक मिनट,
मुझे अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा डाउट हो रहा है कि मे भी चांसेस है कि यहाँ पे कोई ना कोई खेप तो होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मान लो कि किसी को अगर ऐसे ट्रोल करने के लिए एक एंट्रेंस बनाना था, तो वो ऐसा केव टाइप का क्यों बना था? लाइक ये पूरा कहीं ना कहीं, 1 मिनट 1 मिनट, क्या मैं भी वही देख रहा हूँ जो जो मैं सोच रहा हूँ? सो मैं इस माउंटेन को क्रॉस करके उस साइड जा रहा हूँ, एंड मैं इधर के साइड आ गया हूँ, ठीक है? ओके, सो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी एक एंट्रेंस टाइप का यहाँ पर भी दिख रहा है, बट ये एंट्रेंस उस एंट्रेंस से अलग है। सो क्या मैं सच में केव के अंदर था ऑलरेडी एंड मैं वापस से निकल के आ गया? ये एंट्रेंस तो वो एंट्रेंस नहीं है जो मैं माउंटेन के उस साइड से अभी आया। ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है, थोड़ा और एक बार और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? सो वैसे तो मैं उसको मार सकता हूँ, रोर कर रोर कर रोर कर, जब तक रोर करेगा तब तक मैं मार दूंगा, रोर कर रोर कर रोर कर, गुड बाय। इसके अलावा कोई भी और? वैसे एरोस रख लेते हैं, एरोस का पता नहीं कब, ओ आइटम्स रख लेते, ठीक है? तो अब सिचुएशन ये हो रहा है कि क्या मैं वहां पर कुछ और देख रहा हूँ? ओह मे बी, चला। सो अब हमारे रॉबिन हुड का बारी है, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा कंफ्यूजिंग कैसे हो रहा है मुझे। मैं माउंटेन के इस साइड गया एंड फिर मैं वापस इधर के साइड गया। इधर वाला ये केव मिनी एबरेशन वेरिएंट है, बट उसके बाद वो केव क्लोज है, सो उसका और कोई वहाँ पे एंट्रेंस नहीं है। बट मैं अगर ठीक वापस से इधर के साइड आता हूँ, सो ऊपर की साइड पूरा का पूरा एक माउंटेन था, बट ओ मैं छोड़ के रहा हूँ, इसी की मदद से भी जाएंगे। सो अब अगर मैं इधर से जाता हूँ, सो मैं ही यहाँ से बहुत ही जल्दी इस केव को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि क्या ये माउंटेन है? हाँ, मैं सच में इतना बेवकूफ? बट 1 मिनट, अगर मैं उधर से इधर आ रहा हूं तो फिर वो मिनी एबरेशन केव कहाँ गया? ब्रो रुक जा यार, मैं ऑलरेडी अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में खेल रहा हूँ गेम, ठीक है? सो हम लोग फिर से यहाँ पे आए एंड फिर से हम इधर जा रहे हैं एंड फिर से हम यहाँ पे निकले। हम लोग निकले 91 एंड 54 के आसपास। सो वो 91 एंड 54, ओके, क्या वो मिनी एब्रेशन इधर है? तभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा गड़बड़ क्यों हो रहा था बार बार। मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं, ओ शिट शिट शिट, डिनो निचस, बस मुझे अब डिनो निचस के एक्स को ढूंढना है। फाइनली मुझे अगर डिनो निचस मिल जाएगा तो एटलीस्ट ज्यादा बेटर है, बट सच में वो एक केव नहीं था। मैं अभी भी इतना ज्यादा कंफ्यूज कैसे हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। हम लोगों को डिनो निचस का एक ट्रेंच मिल चुका है, यस। सो ये डिनो निचस का एक ट्रेंच एक्चुअली में है 92 एंड 53 के आसपास, एंड यहाँ पे चांसेस तो है कि हाई लेवल का डिनो निचस का एक होना चाहिए, क्योंकि मैं 330 लेवल का डिनो निचस मैं ऑलरेडी यहाँ पे देख पा रहा हूँ। मुझे एक्चुअल में डिनो निचस का जरूरत है, लाइक सिर्फ एक नहीं,
5 से 10 अगर डिनो निचस मिल जाता तो मैं यहाँ पे बर्सकस का पूरा ओ ओ ओ ओ पालियो आर्क का टेरा ना सर। सो अब क्या किया जाए, मैं यह सोच रहा हूँ हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं डायरेक्ट रॉबिनहुड की मदद से एक्स को चुरा के भाग सकता हूँ, या फिर दूसरा मैं सभी के सभी डिनो नीचर्स को मार के आराम से एक्स को ले सकता हूँ। बट उसके अलावा सिचुएशन ये है कि मुझे पहले इस पालियो आर्क को देखना पड़ेगा। सो क्यों ना फाइट किया जाए, मुझे फाइट वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है। स्माइल रेडी एंड किधर गया, किधर गया, किधर गया यार रेक्स, रेक्स रेक्स। सिर्फ इस एक छोटे से केव ने, मींस केव के एंट्रेंस ने मुझे इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया कि मुझे आइडिया भी नहीं था। सो यहाँ पे बहुत सारे डिनो नीचर्स हैं, बट मुझे यहाँ पे वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, एक एक मुझे दिख रहा है बट वो कितने लेवल का है। सो ये सिर्फ 170 लेवल का। क्यों ना हम पहले इस एक को चुरा लेते हैं एंड उसके बाद जितने भी आएंगे उनसे लड़ते हैं। भागो जल्दी। एक मिनट, सिर्फ एक ही डिनो नीचे सर? ओ चिल बड़ी, चिल 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 चिल। ओ माउंटेन पे चलते हैं, वहां लड़ेंगे। अरे अरे ओ ये हुआ ना कुछ बात, अब मजा आएगा ना। ओ नीचे और भी डिनो नीचे से, सो ये लोग ऑलरेडी ग्रुप में बैठे हुए हैं। सो आई थिंक मेरे को तो लगा था कि वो लोग शांत हो गए। चलो सब मानने के बारे में, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक 350 लेवल का डिनो नीचे से फीमेल एंड देन उसके बाद बात आता है, पहले मैं इस 350 वाले को मार दूँ क्योंकि मैं मल्टीपल ग्नेस ऑलरेडी ले रहा हूँ, क्या मैं मार सकता हूँ। अरे ये 600 वाले को पहले मारते हैं। एक मार चुका, ओ एक 180 लेवल का ही था, एक 350। सो मैंने जो एक 300 लेवल वाले एक डिनो नीचर्स को देखा था वो कहाँ गया? ओ सेट, मुझे मीट लाना पड़ेगा। ओके काम करते हैं, पहले हम मीट ले आते हैं, वो स्पेशल मीट से जो कि सिर्फ सिर्फ फायोमियास से मिलते हैं एंड उससे एक्चुअल में हेल्थ बहुत जल्दी रिजनरेट होते हैं। सो यहाँ पे एक 330 लेवल की फीमेल भी है, 350 लेवल के फीमेल को हम लोग ऑलरेडी मार चुके। सो मे भी चांसेस है कि उनके एक्स में कहीं ना कहीं मिलना चाहिए एंड चांसेस है कि उनका नेस्ट कहीं और होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास सिर्फ सिर्फ 170 लेवल का ही एक डिनो नीचे है। तो फिर बाकी डिनो नीचे एक्चुअली में गए कहाँ? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? यहाँ पे ये तो है, क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ? मुझे यहाँ पे ये क्या, ओह रेक्सम्स, ये सब मे भी बाद में काम आ ही सकते हैं, तो इससे अच्छा बाद में ढूंढने से अच्छा है कि अभी से भी कलेक्ट करते रहो तो सही रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअली में वो नेस्ट और भी यहाँ पर है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी और एक शायद वो डिनो नीचस था। ठीक है, आसपास में और इस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं ताकि ओ ये सिर्फ 40 लेवल का है, बेचारा एक शॉट में मर गया यार। ओ उधर और भी डिनो नीचे से, बट यहाँ पे सिर्फ लेवल 40 का एक क्यों है? ओ दो दो डिनो नीचे के नेस्ट है। ओके सो एक लेवल 40 का है,
और एक मिनट, हाँ, एंड एक 180 लेवल का। सो दोनों के दोनों एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ज्यादा ही वीक लेवल के हो रहे हैं। ये है हुआ 40 एंड ये हुआ 180 लेवल का। अगर तो क्या हमारा बारी और भी है आसपास में चेक करने का कि और कहीं पे मिलेंगे या नहीं? उसी के साथ साथ ये ड्रॉप भी चेक कर ही लेते हैं। बहुत अच्छे है प्रो लेवल का लूट ड्रॉप। उधर की साइड हम लोगों ने और एक डीनो नीचे उसको देखा तो था, मे भी चांसेस है कि वहां पर और एक नेस्ट मिलने का चांसेस है। नॉट श्योर, क्योंकि मैं भी यहाँ पर पहली बार ही आ रहा हूँ। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इधर की इन दोनों नेस्ट को ओपन कर दिए। ओह लो लेवल का, मेरे पास ऑलरेडी मैक्स लेवल का एस मेविंग ऑलरेडी है तो इतना दिक्कत नहीं है। उसके अलावा क्या हमें और कहीं पे मिलेगा? ओहो, क्या वो एक नेस्ट है? एंड यस, 270 लेवल का एक। अब कुछ बात हुआ ना, अब कुछ हुआ ना, 270 लेवल का ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुका मैक्स लेवल का एक। शिट, कौन था ये? एक माइक्रो रैप्टर। बट मानना पड़ेगा उसका टाइमिंग कुछ ज्यादा ही अच्छा था। मैं जस्ट एक चुरा के लाया और वो जंप किया, मैं एक सेकंड के लिए पूरा डर गया कि एक डीनो नीचे मेरे ऊपर तो आया, बट वो फिर मेरे ऊपर अचानक से जंप कैसे किया? सो मुझे यहाँ पे और तो कहीं डिनो नीचर्स नहीं दिख रहे हैं, बट वो जो एक जो डिनो नीचर्स उस समय रोमिंग कर रहा था वो कहाँ है? क्या ये भी एक? यस यस यस, मैं अभी उसका एक चेक नहीं करना चाहता हूँ, लेवल कितना है एंड और कहाँ है, और कहाँ है? कोई भी नहीं है, क्या हम चुरा सकते हैं? यस, लेवल 30। अब सीरियसली लेवल 30 कुछ ज्यादा ही कम हो रहा है यार। मीन्स एटलीस्ट 150 भी होता तो थोड़ा मैनेजेबल होता, बट 30 लेवल कुछ ज्यादा कम नहीं हो रहा है। मीन्स ठीक है, और आसपास में एक दो और चेक कर लेते हैं एक नेस्ट एंड मे बी। वैसे तो यहाँ पर और तो कहीं नहीं दिख रहे हैं यहाँ। ओह, एक स्ट्राइक है तो क्या ये अग्रेसिव है? एंड रिसर्चर्स मैक्स लेवल किधर है वो? अब टेम करने का इसको बनता है। ओ, सिट सिट, क्या मैं भी वही चीज देख रहा हूँ जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ? एक मैग्मोसोर है यहाँ पे। एक मिनट, शायद मैं इस एक को अभी चुरा के गया था। नहीं, यहाँ पे और एक है गया? ये कितने लेवल का? ओ सिट 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 सिट, अरे भाई भाई भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मैं आज नहीं, आज नहीं, कल आऊंगा कल आऊंगा कल आऊंगा मैं उसको टेम करने के लिए, बट आज छोड़ दे मुझे। अरे यार, जल्दी 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 यहाँ से पहले मैं निकलूँ, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा। हाँ, तो थोड़ा पहले ऊपर चलते हैं एंड उस एक लेवल को देखते हैं कि एक्चुअली में वो एक कितने लेवल का था। सो 280 सच में, और यहाँ पे फिर ये 270 लेवल का एक है। सो ऑलरेडी मेरे पास दो मैक्स लेवल के एक हो चुके हैं। अब मेरा अगर किस्मत और अच्छा रहा तो व्हाट एस एन काइलो। यार आज ही इस एपिसोड में हमें इतना कुछ एक्सप्लोर करने को मिल गया कि मीन्स मैं सोचा नहीं था। एंड ये जो एस वेरिएंट के जो एनकाइलोस है, फिर यहाँ तक चांसेस है कि एक्स वेरिएंट के भी एनकाइलोस शायद होते हैं जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि एक्स वेरिएंट के ट्राइक्स से तो एनकाइलोस होंगे। बट सोचो अगर मेरे पास तीन वेरिएंट के अगर एनकाइलोस हुए तो कितने मस्त लगेंगे। मेरा टास्क सीरियसली अब भाई, मुझे बहुत मस्त लगा ये एस वेरियंट को देखने में। ये एस वेरियंट का एनकाइलोस तो देखा जाए तो इस एस वेरियंट के मेविंग से भी ज्यादा लग रहे, अच्छे दिखने में लग रहे। एक मिनट, ये बैकपैक क्या था? मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने रेक्स का आवाज सुना? नहीं, ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों एस वेरिएंट के डाइनोज है एंड मेरा वाला जो है ये मेविंग है, बट ये है एस वेरिएंट के एनकाइलोस। एंड एनकाइलोस बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था, बट यहाँ पे चल क्या रहा है? एक मिनट, मीन्स अगर यहाँ पे मैग्मा है तो मैग्मा के एक्स तो होने चाहिए आसपास में, क्योंकि
क्या मुझे वहां पे एक एक दिखाई दे रहा है, बट ऑब्वियसली वो मैग्मा ऑलरेडी यहाँ पे बैठा है। सो इस मैग्मा सर्किट ट्रेंच का लोकेशन है 96 एंड 58 के आसपास मैप में यहाँ पे दिख रहे हैं। एक मिनट मैं इसको पहले लेवल अप कर देता हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं। सो ये रहे मैप में 96 एंड 58 के आसपास और वो मैग्मा सर ऑलरेडी सेट। हमें ऊपर ही रहना है, नीचे नहीं जाना है। ज्यादा रॉबिनहुड के साथ जोश दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रॉबिनहुड इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना बेचारे दिख रहा है। यहाँ पर मुझे तीन तीन मैग्मा सोर्स, तीन नहीं दो दिख चुके हैं, बट मुझे इनके एक्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या हम लोगों को एक्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मुझे वैसे तो उनके एक्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं भी चांसेस है हम लोग अगर कभी बाद में एस वेरिएंट के एलो सर, ओ इनके ऊपर कुछ ग्लो कर रहा है, बट ये शायद रैबिट क्या होता है। क्या हम लोगों को और एक केव मिल गया एक्सप्लोर करने के लिए? ओके, जब तक वो लोग लड़ रहे हैं तब तक अंदर घुस जाते हैं। एंड ये सच में केव है, ये सच में केव है, एंड ये मैग्मा केव है। भागो जल्दी यहाँ से। सो हमें ऑलरेडी मैग्मा केव मिल चुका है, एंड चांसेस है कि हम लोग अगले एपिसोड में वापस यहाँ पे आने वाले हैं जस्ट इन लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए। बट एक काम करते हैं, पहले चलते हैं अपने डिनो नेचर्स को हैच करने के लिए, एंड उसके बाद देखते हैं कि वो कितने ज्यादा क्यूट लगने वाले हैं। मैं भी एक मिनट, ये क्या है? ओ गोल्ड रॉक्स। मैं वही सोचा कि मे भी मेरा चांसेस था, मैं डाउट में था कि क्या पता मैग्मा सोर्स ऑलरेडी अगर बाहर घूम रहे हैं, रोम कर रहे हैं, तो मे भी चांसेस है कि उन लोगों का एक्स बाहर भी मिल सकता था। सो मैं डाउट में था, बट हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा, ये 180 लेवल का शायद, मैंने पिछला वाला 110 लेवल का देखा था कि यही था, मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, 180 लेवल का ऑलरेडी हमें एक एस एंकाइलोसॉरस मिल चुका है जिसको हम जल्दी ही टेम करने वाले हैं, एंड उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे ऑलरेडी मैग्मा सोर्स के फुटप्रिंट्स मिल चुके हैं, मीन्स मैग्मा सोर्स स्पॉट हो चुके हैं। सो चांसेस है कि आसपास में मैग्मा सोर्स भी, और बहुत ही जल्दी हम लोग उनके एग्स भी चुरा लेंगे। हम लोग इस केव के आसपास में एपिसोड शुरू किए थे तो हम लोगों को एक छोटा सा केव दिखा था, मुझे यहाँ पे ड्रॉप तो दिख रहा है, साथ ही साथ एक रेक्स भी दिख रहा है। एंड ये 270 लेवल का हाई लेवल का पालियो आर्क रेक्स। तो मैं ऑब्वियसली पालियो के रेक्स को तो छोड़ूंगा नहीं, वो भी मैक्स लेवल का जब बात आ रहा है तो अलग ही आ रहा है, तो क्यों ना इसको ऐसे छोड़ देते हैं मारने की जगह, एंड इसको फिर वापस टेम करने के लिए आएंगे। तो हम लोगों के पास अभी बहुत कुछ टेम करने को है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है, एंड यहाँ पे ऑलरेडी वाटर वैन है। सो वाटर वैन, वाटर वैन, वाटर वैन। क्या मैंने यहाँ पे कुछ भागते हुए देखा अभी? क्या ये? ओह सेट, बड़े गिव मी सम टाइम ब्रो। एंड इधर की साइड शायद मैंने फिर से कुछ ग्लो करते हुए देखा, और ये टिक स्टिक होता। अब इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि इसका अभी जरूरत नहीं हम लोगों को, बट इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि क्या और चांसेस हैं हम लोगों को और भी एक्स मिलने का। पलियोकांत में भी, बट यहाँ पे अगर सैडोमेंस होते तो मैं शायद, मैं भी ये लाइक इस मैप को और भी, मुझे रॉक ड्रेक्स के बारे में एक्चुअली पता करना है कि क्या इस मैप में रॉक ड्रेक्स है या नहीं, एंड अगर है तो वो कहाँ पे मिलेंगे। सो हम लोग बार बार इन्हीं मैग्मा सोर्स के केव्स के पास आ रहे हैं, एंड मैं श्योर हूँ कि मैं जल्दी ही अब एक मैग्मा सोर को टेम करने जा रहा हूँ। टेम नहीं, एक हम छुड़ाने वाले हैं, एंड उसके बाद तो पहले तो बेस निकलते हैं यहाँ से। क्या मैं सच में अभी लावा में घुस गया था? ओह बड़ी, गिव मी सम टाइम यार। हमारा बेस इधर के साइड है, एंड यस नहीं, ऐसे एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे ऊपर से ग्लाइड करने पे एंड दूर से चांसेस ऐसा होता है कि जो केव्स होते हैं वो अगर रेंडर नहीं होते हैं, सही से प्रोसेस नहीं हो पाते, तो क्या होता है हमें दूर से कहीं से दिख जाते हैं कि वहां पे ऑलरेडी एक केव है,
जस्ट उसी के जैसे मुझे एक्चुअली में वो जिस केव को मैं केव सोच रहा था, एक्चुअली में वो केव नहीं, एक जस्ट एंट्रेंस था, बट मुझे लगा कि वो एक केव होगा. सो वो भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसे दूर से ही मिला था, मुझे लगा था कि मैं भी चल सकता हूँ. तो अब चेक करते हैं थोड़ा सा, ये इधर चलते हैं. क्या हमारे पास फैब्री है? फैब्रिकेटर अगर ऑलरेडी है, हाँ. सो क्या हमारे पास एसीस हैं? शायद एयर कंडीशनर बोलते हैं. कितना हम बना सकते हैं? ओ टर्न ऑन. और मे बी 4, आई थिंक काफी रहेगा जहां तक मुझे लग रहा है. नॉट श्योर. मुझे जल्दी एक हैचिंग स्पॉट भी बनाना पड़ेगा, ब्रीडिंग स्पॉट, एंड देन क्रॉप का भी एरिया बनाना पड़ेगा. कुछ कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे मुझे लग रहा है ओह इलेक्ट्रॉनिक्स की कमी है. तो ठीक है, अभी के लिए आई थिंक 4 इनफ होगा, जैसे कि मैं सोच पा रहा हूँ जितना कि कहाँ पे लगा है, कहाँ पे लगा है, इधर की साइड. हाँ ओपन एरिया में वैसे देखा जाए तो अच्छा लगेगा देखने में. नहीं, ओह इधर की साइड ओपन में ज़्यादा बेटर लगेगा. ठीक है, सो नॉट श्योर कि यहाँ पे काफी है. पहले तो इन दो एग्स को निकाल देते हैं जो कि ये है. ये ऑलरेडी एक 270 लेवल का एग है, और उसके बाद फिर इधर एक 280 का एग्स है. एक काम करते हैं, इन दोनों को इधर रखते हैं. जैसे कि यहाँ पे आई थिंक दोनों हैच हो रहे हैं. सिर्फ वो 1 मिनट है. और उसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पर और एक्स कितने, सॉरी ये रहे. इन एक्स को हम इसलिए हैच कर रहे हैं ताकि इन एक्स को हैच करने के बाद इनको हम फिर ब्रीड करके उनके एक्स को कलेक्ट करके हम फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किबल्स बना सकें. सो कहीं ना कहीं अब किबल्स का इशू क्या होता है कि मान लो कि जब हम किबल्स का बात कर रहे हैं तो ये एस प्लस का ऑलरेडी है. हम कंज्यूमेबल्स में जाते हैं एंड क्राफ्टिंग फूड्स में जाते हैं, एंड देन यहाँ पे आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किबल्स. तो हमारे पास एक्स तो आ जाएंगे, डिनोनीचस के एक्स, फाइबर भी आ जाएंगे, जाइंट भी. यानी नॉट श्योर की कितना है, लेजर्डस चौडन बनाना पड़ेगा, जिसके लिए अगर हम बात करें तो हमें ऑलमोस्ट लॉन्ग ग्रास और सेवरूट का जरूरत, जो कि क्रॉप्स है, बट क्रॉप्स के लिए हमें फिर फार्म का जरूरत है. तो कहीं ना कहीं दोनों चीज चाहिए. अब अगर यहाँ पे मैं जाइंट बी हनी का बात करूँ तो क्या मेरे पास जाइंट बी हनी, जाइंट बी हनी, हनी 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 को बोलते क्या वैसे? हाँ यार, ओ ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे. मुझे लगा था कि मे भी हमारे पास नहीं होगा, बट हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे जाइंट बी हनी है. सो अब लग रहा है कि शायद मेरा केबल फार्म शुरू हो जाएगा. आई नो कि हमारे पास मटन्स ऑलरेडी है. किधर क्या, हाँ मटन्स ऑलरेडी है. मैं एक सेकंड के लिए सोचा सच में मटन्स है या नहीं, जैसे कि मैं पूरे के पूरे डाउट में चले गया था. ओके सो रिसोर्सेज भी अच्छा खासा अमाउंट में कलेक्शंस चल रहा है. हमारे पास बहुत सारे प्योर गोल्ड इंगोट्स है, क्रिस्टल एनर्जीज है, एंड डायमंड्स है. नॉट श्योर कि ये कैसे काम आएगा, क्योंकि डायमंड्स से मैं इतना जानता हूँ कि माइटी फोर्जेस चालू होते हैं. नहीं 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 ये तो बॉस फाइट के लिए. एनर्जी क्रिस्टल्स जो है ये माइटी फोर्जेस के लिए, बट ये डायमंड्स किस काम की? क्योंकि जब हम बासकर्स को मारते हैं तब जाके ही हमें कुछ मिलता है. अब अगर हम ध्यान से देखा जाए तो अभी भी हमारे मैप में बहुत ही कम बर्सकर्स हैं. बट क्या हो रहा है कि हमें बर्सकर्स से लड़ने के लिए एक बेटर टीम का जरूरत है. जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बर्सकर्स देखूँ तो जैसे कि ये ओ बर्सकर कार्नोस भी है, 40 लेवल का है. मैं अभी तक वैसे तो इससे मिला नहीं हूँ. बर्सकर रैप्टर्स हम ऑलरेडी लड़ चुके हैं, बर्सकर रैवेजर्स से भी मिल चुके हैं. नॉट श्योर कि बर्सकर कार्नो किस टाइप का रिवॉर्ड देगा, क्योंकि हम 2 से लड़ चुके हैं. फिर उसके बाद आता है स्टाइरा जो कि ऑलरेडी 25 है. इससे भी कुछ बेटर रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं. बट रेक्स, ओ रेक्स मिस है अवेलेबल बट नहीं है. थेरिजिनोस भी गायब हो चुके हैं एंड टूसोस भी गायब हो चुके हैं. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी बर्सकर्स होंगे एक बार जैसे हमारा टीम बन जाएगा हम उनसे लड़ने लगे. क्या हो रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी डिनोनीचेस का हम टीम बनाने शुरू कर दिए. जैसे कि आप ओ हो बहुत सारे हमारे पास डिनोनीचेस आ चुके हैं. किधर गए क्यूट से बेबीज? और ये सो ये फीमेल सेट, इतना किस्मत खराब, दोनों के दोनों फीमेल है. एटलीस्ट एक एक मेल हो जाता तो शायद हम लोग अभी मैक्स लेवल के टीम शुरू कर देते, बट चलेगा कोई दिक्कत नहीं. इन दोनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो 280 लेवल का, इसका 38 पॉइंट्स पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ डैमेज में, 52 पॉइंट्स हेल्थ में. बाकी कहीं पे भी इतना वेस्टेज नहीं है. बट अगर इसका देखा जाए तो 35 पॉइंट्स, 50 पॉइंट स्टेमिना. हमें स्टेमिना को उतना जरूरत नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे इसको बनाने का.
अब सिचुएशन क्या होता है कि इन लोगों का 32 मिनट्स में केयर है बट म्यूट है, और लगता है कि मैंने ब्रीडिंग का ये बढ़ा दिया तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों का होता है। तो एक काम किया जा सकता है, सो मेरा रॉबिनहुड का है, रॉबिनहुड को दे देते हैं ताकि ये उन लोगों को आराम से फीड कर रहा होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि अचानक से ये लोग मर जाए। सो पिकअप बेबी, नहीं ये नहीं था। ओ वो दोनों मुझे फॉलो कर ही नहीं, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। जब तक ये रहेगा तब तक ये सब कुछ ले रहेगा, ठीक है। ये इन दोनों बेबीज को पिक कर लेगा एंड ये रहा। ओके सो आई थिंक हमारे दोनों के दोनों बेबीज यहीं पे, मैं एक मिनट इन सभी को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। सो 270 लेवल का हमारा बेबी डिनोनीचस यहाँ पे, 180 के यहाँ पे है, उसके बाद फिर एक और 270 का, ये रहा एक, ये रहा 280 का। मैं भी चांसेस है कि अगर और एक बेटर लेवल का होगा कोई तो मैं उसको भी पिक कर लेता हूँ। ये है 170, 40 एंड 30। 170 वाले को भी मैं पिक कर लेता हूँ। कम जल्दी जल्दी, फिर से एक और बेबी कहीं पर होगा, कितने देर में आएगा नो आइडिया। ओ इसका रेंज कुछ ज्यादा ही कम हो रहा है। हाँ आया आई थिंक, और बस एक बेबी, ठीक है। सो ऑलरेडी इसने सभी के सभी बेबी को पिक कर लिया है, इन लोगों को आराम से ये फीड भी कर रहा होगा जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे फूड कंजप्शन कर रहा है जबकि इसका ऑलरेडी मैक्स है, तो ये जितने भी यहाँ पे फूड कंजप्शन हो रहे हैं ये मेबी उन बेबीज को फीड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं उन लोगों को अच्छा है, ये लोग मरेंगे नहीं, बट अब दिक्कत आता है इन दोनों का। तो इन दोनों को क्या किया जाए, मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना इन दोनों को मैं ही अपने साइड से कुछ मिट्स खिला देता हूँ, जैसे कि रॉ ये रहे एंड उसके बाद ये ज्यादा भी, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग अभी बेबी से तो उनका इन्वेंट्री इतना ज्यादा नहीं होगा जितने में ये कंप्लीट। क्या तुम दोनों अलग अलग हो सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा इन्वेंट्री चेक करने में हालत। क्या हुआ सच में वो मर गया, मुझे जस्ट लगा था कि वो लोग सच में मर जाएंगे। अच्छा हुआ मैंने उन बेबीज को ए ब्रो 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 ब्रो, इधर 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 इधर, कहाँ कहाँ, मैं आप पे खिला रहा हूँ उसको और वो भाग रहे चल चल के जाएगा इधर आ। अरे 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 यार, ले भाई ये खा आराम से, और मरना मत अपने भाई के जैसे। उसका भाई मर गया सच में, बहुत खराब लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मरने के बाद भी उसने हमें एक बहुत अच्छा चीज दिया है, प्राइमेट, सिर्फ 16। ठीक है, बेबीज का क्या हाल चाल है, ऑब्वियसली ये सब टाइम बढ़ने में अच्छा खासा टाइम ले लेंगे, तो फिर ओ क्यों ना क्यों ना क्यों 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 ना रिमूव पैसेंजर, बट कौन सा है, दिक्कत ये हो रहा है यहाँ पे। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग में, टॉप राइट कॉर्नर में ऑलरेडी मेरा एक ये वाला नहीं है, टॉप राइट कॉर्नर में इसमें आप इस बार किसको पिक कर, 170। ओके फर्स्ट ओ 270, एंड हम लोगों को मिल चुका है। सो ये रहा 280 लेवल वाला डिनोनीचस। एक मिनट, क्या ये लोग सच में बहुत ज्यादा स्लो प्रोग्रेस हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी मुझे लग रहा है जैसे कि अगर मैं इसको देखूं तो ये ऑलरेडी 10% पे ये भी पहुंच चुका है, जबकि वो लोग को मैं बहुत पहले से ये करके रखा था। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम यहाँ पर रखते हैं एंड इसको फिर मीट दे देते हैं। ले भाई तू रॉ प्राइम मीट का, रॉ मीट एंड रॉ प्राइम मीट ये ले, खुश दे खुश। हाँ थिंक
जहां तक मुझे लग रहा है शायद मैं इसका ये तो नहीं कर पाऊंगा। क्या हमारे पास नैनी है? क्योंकि अगर नैनी होगी तो इम्प्रिंट नियर बाय नॉन कैन प्लेस इन्वेंट्री प्रिजर्विंग सॉल्ट इन इन्वेंट्री गिव्स फूड टू नियर बाय बेबीज अंडर 15% कैन प्ले जस्ट रिक्वायर पावर। ओके सो हमें ह्यूमन एयर का जरूरत है। आई थिंक ह्यूमन एयर मेरे पास है ऑलरेडी, शायद मैं बना सकता हूँ, नॉट श्योर। नैनी अगर बन जाती तो शायद ह्यूमन एयर। ओके सेट। हाँ मेरे बाल बहुत बड़े बड़े हो जाएगा आराम से। स्मिथी सीजर्स सीजर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बाल वापस जल्दी आ जाएंगे। हाँ बाल का जरूरत है या इसका फेशियल लेयर उड़ा देते हैं। छोटा कर देते हैं स्टाइल में, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ सो सच में टू हेयर्स। ओ ओके ओके पूरा उड़ाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है सो फोर हेयर। ब्रो इतना फालतू दिख रहा है वो, मुझे डाउट हो रहा है। फोर्टीन हेयर डोंट टेल। अब मिल गया 20। अगर एक या दो के लिए अगर वो रह जाता ना, सीरियसली मुझे बहुत खराब लगता कि मैं अपने पूरा बाल उड़ा भी चुका हूँ और तब भी नहीं बने होते। चलो ठीक है, एटलीस्ट काम हुआ हमारा। एंड नैनी इज हियर, सो नैनी इसको हम यहाँ रखते हैं। ओके इस नैनी को क्या चाहिए? ओनली रिक्वेस्ट पावर एक्टिवेट। मे बी इसको रॉ प्राइम मीट चाहिए शायद, सॉरी रॉ मीट चाहिए ताकि ये बेबीज को फीड कर सके। सॉरी कैंप फायर नहीं, रेफ्रिजरेटर निकाल दो। ठीक है शायद क्योंकि मैं कभी नैनी को एक्चुअल में यूज नहीं किया हूँ। इम्प्रिंट करेगा ये नॉर्मल बेबीज को, बट उसके बाद अब दिक्कत ये हो रहा है कि मैं प्रिजर्विंग सॉल्ट कहाँ से लेकर आऊँ। प्रिजर्विंग सॉल्ट कैसे बनाते हैं? प्रिजर्विंग सॉल्ट रॉ सॉल्ट मॉडल पे थोड़ा चेक किया जाए। शायद मेरे पास सल्फर भी नहीं है जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ। किधर गया ये रहा सल्फर। सो हमें मैग्मा सॉर के केव में जल्दी घुसना पड़ेगा। मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ गड़बड़ होने वाला है जिसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड हमारा डिमोनिशन ऑलरेडी जोनेबल स्टेज पे आ चुका है एंड ऑलरेडी 15% है। शायद मुझे लग रहा है कि मे भी चांसेस है कि मैं इसको इम्प्रिंट अच्छे से कर सकता हूँ। देखते हैं, तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। ओह एस प्लस नैनी इम्प्रिंट। एक मिनट सच में, ओहो नाइस, सभी के सभी यहीं पे आओ। हमें इम्प्रिंट होना है। एंड ओके हाँ सो कहाँ गए? क्या हम लोगों ने सभी को पिक कर लिया है? और हमारा ये वाला डिनोनीचस इधर है। अब सभी को यहाँ पे लाइन से लगा देंगे। हमारे बेबी डिनोनीचस जितने भी यहाँ पे रहेंगे सभी के सभी यहाँ पे वेट कर रहे होंगे ताकि ये सो एक को लगाते हैं इधर, दूसरे वाले को लगाते हैं इधर, तीसरे वाले को लगाते हैं इधर एंड चौथे वाले को लास्ट में लगाते हैं इधर। सो क्या हमारे पास सभी के सभी डिनो नीचे हो चुके हैं? और साथ ही साथ फिर यहाँ पे मेविंग उन लोगों को ख्याल रख रहा है ताकि कोई भी इनको अटैक ना कर सके। एंड आई थिंक मे बिग चांसेस है। इसको मैं अभी डालो। ओहो ये ऑलरेडी 16%, 0%। मैं इतना अचानक से खुश क्यों हुआ? ओ एक मिनट, ये 170 वाला है जो कि पहले से ही यहीं पे था। ओके 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 ये लोग कितने देर में इम्प्रिंट होने वाले हैं थोड़ा मैं भी चेक करूँ। एंड हमारा 270 इधर है। 270 16% ऑलरेडी हो चुका। 280 वाला 17%। भाई तेरा हाल चल क्या? यस सो मुझे इस नैनी को पहले से लाना चाहिए था। इस नैनी ने मेरा बहुत हेल्प किया एंड थैंक यू, मुझे मेरा पार्टनर मिल गया गेम में।
कि मुझे और मेरे यहाँ पे डिनो नेचर्स बेबीज का ख्याल रखता है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, बट अगर आप इस चैनल पर आए तो आप सब्सक्राइब करें। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।